पुरुष प्रशिक्षण 2022 हेतु पंजीकरण की। इसमें आप पंजीकरण कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर किन किन जिलों में स्थित हैं इसकी बात करेंगे। योग्यता क्या रहेगी यानी कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म की फीस कितनी रहेगी और ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा यानी इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो आइए एक एक डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश। इसमें कंबाइंड एडमिशन पोर्टल ओपन है आपके सामने और हमने सेक्शन ओपन कर रखा है जनरल गाइडलाइंस का। यह है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष प्रशिक्षण 2022 के दिशा निर्देश एवं सूचनाएं ऑनलाइन आवेदन हेतु। तो देखिए ये 10 जुलाई तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। एक एक चीज़ आप यहीं सीधा वेबसाइट से ही देख सकते हैं। 10 जुलाई तक अंतिम तिथि है और इसमें शासनादेश जो 26 जून को दिए 26 मई को दिया गया उसके अनुसार है केवल पुरुष छात्र ही पुरुष अभ्यर्थी ही इसमें चयनित होंगे। ये क्लियर कट इसमें अब बताया गया है। इसमें अर्हता के रूप में बताया गया कि इंटरमीडिएट होना चाहिए यानी 10+2 हो और किसी भी से हो यानी स्ट्रीम कोई भी हो, ऐसा इसमें नहीं बताया गया है कि स्ट्रीम कोई पर्टिकुलर। और यहाँ आयु के बारे में 17 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में यहाँ पर आपकी उम्र होनी चाहिए। देखिए ये भी आप पॉइंट पढ़ सकते हैं 17 से 35 वर्ष। बाकी 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूट आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर मिल जाएगी। और कहा गया कि जो प्रशिक्षण के केंद्र हैं वो 11 हैं यानी 11 केंद्रों पर ये जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और मेरिट लिस्ट प्रकाशन के बाद वांछित प्रशिक्षण केंद्र हेतु जनपदों का विकल्प अभ्यर्थी को ऑनलाइन यानी ऑनलाइन ही काउंसलिंग इसकी होगी। उसके बाद प्रमाण पत्र अपलोड किए जाएंगे और बाकी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। अभ्यर्थी द्वारा मूल निवासी और वर्तमान पत्राचार का पता डालना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर आप देखें आवेदन के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, पहचान पत्र में से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई, अगर आप MPW पुरुष के पद पर संविदा में कोई सेवा की है तो उसका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित हो, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा या तो हो, दोनों में से कोई हो, जात प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र यहाँ पर देना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। फिर उसके बाद आप सेंटर्स देख सकते हैं, लिस्ट नंबर सीट्स और उनकी सीट कितनी है। तो संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ प्रशिक्षण केंद्र आगरा, तो यहाँ पर आगरा केंद्र आगरा का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यानी ये तो सभी का नाम एक ही होगा, बाकी जो नीचे जिला दिया गया है वो वहाँ पर स्थित होगा। तो लखनऊ से जो है आप कन्फ्यूज ना हो, तो यानी पहला आगरा में दिया गया है मिलेगा। देखिए यहाँ आगरा है, फिर उसके बाद अयोध्या है और बरेली है, ये आपने 3 देखे। फिर उसके नीचे गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ में है, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी, यानी सभी में आपको 60-60 सीटें अब मिल जाएंगी। यानी हर एक में 60 सीटें आपको मिलेंगी जितने 11 प्रशिक्षण केंद्र हैं और इन जिलों के नाम आपने देख लिए हैं। अब चलते हैं पीछे की तरफ। देखिए यहाँ पर तो गो बैक में जब जाएंगे हम तो यहाँ पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ की गई थी उसे आप देख सकते हैं आसानी से, जो आपको हमने पहले फिर वीडियो के रूप में बताया था। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रेस विज्ञप्ति है। 200 रुपये का यहाँ पर फॉर्म है, आप सभी लोग जानते हैं ये 200 रुपये का और 100 रुपये का यहाँ पर फॉर्म है। आरक्षण, आयु सीमा और चयन का जो आधार है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वेबसाइट का नाम है जो हम अभी तक ओपन किए हुए हैं वही वेबसाइट है। फिर इसी में आप नीचे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ अब हम आपको फॉर्म भरने का तरीका बता देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको गो बैक जाइए, स्टार्टिंग से हम समझ लेते हैं हम सभी लोग कि किस प्रकार आप फॉर्म को अब भरेंगे। तो बिना किसी दिक्कत के आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है, जैसे आप ANM का फॉर्म भरते थे वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर सिलेक्शन के मोड में आप जब जाएंगे तो यहाँ दो चीज़ें मिलेंगी, तो आपको ये पॉइंट चुन लेना है। पॉइंट चुनते ही प्रोसीड करेंगे, तो जब प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें यहाँ पर ओपन होके आ जाती हैं।
आवेदन के लिए पत्र को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकरण करें, तो यहाँ पर आप देखिए ये पोर्शन नंबर 2 जो है आपको मिलेगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जैसे ही तो जब क्लिक करेंगे तो आपको नया एक इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया कि एप्लीकेंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। तो एक एक करके हम भरते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए हमने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देते हैं। आपको यहीं से सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपको आगे का पूरा फॉर्म मिल जाएगा और आसानी से आप फॉर्म को भर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।